नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। आज 6 दिसंबर को केवड़िया कॉलोनी में होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने केवड़िया कॉलोनी में रैली भी निकाली। होमगार्डों ने रैली में वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के नारे भी लगाए। यह रैली केवड़िया कॉलोनी मेन बाजार से होते हुए संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फूल अर्पण करते हुए स्थानीय पुलिस थाने पहुंची। हमारे संवाददाता ने होमगार्ड के लीडर रमन भाई पी रोहित से रैली के बारे में बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1947 ना दिन थी थी, जे होमगार्ड महाराष्ट्र में शुरुआत थी थी। केवड़िया होमगार्ड यूनिट वती आज होमगार्ड स्थापना दिन निमित्ते सभी होमगार्ड सभ्यों ने शुभेच्छा पाठवु छू। अने उत्तरोत्तर होमगार्ड की प्रगति थाय अने देश की सेवा में होमगार्ड दल कायम कार्यरत रहे एवी आशा राखू।